वहीं विजयादशमी के अवसर पर दुर्ग के रविशंकर स्टेडियम में अहंकारी रावण का 50 फीट ऊंचा पुतला दहन हुआ। इस अवसर पर शहर विधायक अरुण वोरा व महापौर मुख्य रूप से हुए शामिल। पंडित रविशंकर स्टेडियम में 1964 से मनाए जा रहे दशहरा उत्सव इस बार भी विजयादशमी का पर्व बड़े धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 50 फीट ऊंचा रावण का पुतला दहन किया गया। इसके लिए पंडित रविशंकर स्टेडियम में दशहरा उत्सव समिति द्वारा भव्य तैयारियां की गई थी। गौरतलब है कि रविशंकर स्टेडियम में वर्ष 1964 से लगातार दशहरा उत्सव मनाया जा रहा है। इसका गौरवशाली इतिहास भी रहा है। इस आयोजन के प्रारंभकर्ता स्वर्गीय जगदीश चंद्र मिश्रा, स्वर्गीय मोतीलाल वोरा, स्वर्गीय सीताराम दुबे, स्वर्गीय चैतराम ताम्रकर, स्वर्गीय मोहम्मद इलिया सहित साथ ही अनेक वरिष्ठ लोगों की भूमिकाओं से संचालित रहा है। इस बार रावण दहन पर मुख्य रूप से कैबिनेट मंत्री व विधायक अरुण वोरा, निगम महापौर धीरज बाकलीवाल उपस्थित हुए। इस अवसर पर दशहरा उत्सव समिति के लोग बड़ी संख्या में शामिल रहे। इस वर्ष यहां पुतला दहन के साथ आतिशबाजी का भी भव्य आयोजन स्टेडियम के अंदर किया गया। इस संबंध में शहर विधायक और महापौर ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। देखिए, दुर्ग का दशहरा तो हमेशा से ऐतिहासिक रहा है और विजयादशमी पर्व की मैं दुर्ग शहरवासियों को और प्रदेशवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने आज ही के दिन अधर्मी रावण का वध किया था और इस बात का संदेश दिया था कि हमेशा जीवन में असत्य पर सत्य की जीत होती है, अधर्म पर धर्म की जीत होती है और पाप पर पुण्य की जीत होती है। तो आज का जो ये पर्व है, हमें भगवान श्री राम के आदर्शों को, उनके सच्चरित्रों को और उनके सच्चरित्रों को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प लेने का दिन है। मैं राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ जो 1956 से लगातार दुर्ग शहर में दशहरा का पर्व मना रही है और प्रारंभ से ही हमारे इस क्षेत्र के बहुत ही लोकप्रिय नेता, वरिष्ठ नेता श्री मोतीलाल वोरा जी लगातार आज तक इस समिति में दशहरा के पर्व में उपस्थित होते रहे हैं। उन्होंने हमेशा अपनी शुभकामनाएं शहरवासियों को दी है, वासियों को, प्रदेशवासियों को, देशवासियों को विजयादशमी की बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति को भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। लगातार 59 वर्ष से रविशंकर स्टेडियम में बहुत ही धूमधाम से विजयादशमी का पर्व मनाया जा रहा है। मैं आयोजन समिति को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। यह पर्व हमें संदेश देता है कि असत्य पे सत्य की विजय का ये पर्व हमें संदेश देता है और मैं राष्ट्रीय पर्व उत्सव समिति के इस आयोजन के लिए नंदू मोहबिया जी, अनिल ताम्रकार जी, तंबोली जी और लगभग 59 साल से हमारे श्रद्धे बाबूजी मोतीलाल वोरा जी यहाँ पे हमेशा आते थे और हम लोग उनके साथ मिलकर विजयादशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। ये रावण भाटा इसका नाम था। आज हमारे दुर्ग शहर के लोकप्रिय विधायक के नेतृत्व में हम लोग यहाँ पे विजयादशमी का पर्व बहुत ही धूमधाम से मना रहे हैं। ब्रांड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।